31 तारीख की रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि मेरे जगने की कोई वजह नहीं होती, पर सुबह जल्दी जागकर नए वर्ष के अवसर पर मैं अपने मम्मी पापा जी के पैर छूता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर मैडम, हैप्पी न्यू ईयर। फिर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ सभी को विश करने के लिए और रास्ते में मुझे दिख जाते हैं मेरे बड़े ताऊ जी और साथ में ही मेरा भतीजा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ताऊ। ओए कहाँ जा रहे हो? असियो असिया असियो। राम राम ताई, राम राम। तू बना ले टू पीटो पाने की वीडियो। आओ आओ। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। जगह कर रही है? क्या है गियो? जगह गियो ना रही है? हाँ है अबे तचारा हो जाए। अच्छा तचारा अब बनना है घी। फिर कुछ दिनों बाद बनाएंगे दाल बाटी चूरमा। बाटी चूरमा बनता है काजे से। भाभी राम राम। राम राम कुशरा। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। और क्या कर रहे हैं तो भाई? नए साल पे। नई साल पे कुछ नहीं कर रहे, अब पेपर की तैयारी करेंगे बस। हम तो रोज 3 तारीख से एग्जाम। आप क्या कर रही हो? क्या बना रही हो आप? मैं बना रही हूँ पराठे मेथी के। खाओगे? अभी बनाए? नहीं बना आटा बना दो। भाभी जी बड़ी मेहनत से बना रही है मेरे लिए पराठे मेथी के और एक बर्फी चुका है, तो इसे मैं खाता हूँ और अभी तो आगे घर के लिए निकलता हूँ। मुझे वहाँ पे भी सभी को पैर छू के आने, आशीर्वाद लेना है। तो चलिए इन्हें खाते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। तो भाभी जी पराठे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, तो चलिए चलता हूँ मैं। मुझे इजाजत दीजिए जाने की, मैं जा रहा हूँ खेत पर सभी को विश करने। चलिए चलते। राम राम भाई। राम राम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई। राम राम। ले फोटो ले लो। ठीक है ले लो। ताई जी का फोटो खींचकर मैं अंदर आकर सभी को विश करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। राम राम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। राम राम। राम राम। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के अवसर पर ताऊ जी हम सभी के लिए बना रहे थे छोले भटूरे और उनके साथ काम में भरपूर साथ दे रहे थे हम सभी के प्रिय भूपेंद्र भैया। मैं अभी बल्ले घर से और इसी आगे घर से खा के आया था मेथी के पराठे। यहाँ पे खाऊंगा भटूरे, आज अपने घर पे नहीं खाऊंगा कुछ। तेरे घर पे बनेंगी नहीं रोटी? हाँ मेरे घर पे बनेंगी नहीं रोटी, सब यहीं पे है। हाँ यहीं पे खाना, तू खाना आज। ठीक है भाजी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैडम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैडम। हैप्पी न्यू ईयर तो साइलेंट कर लो ना मैं। अच्छा हुआ आप तीनों आ गए क्योंकि यहाँ पे बनना है भटूरे और छोले तो बन ही चुके हैं, छोले भटूरे बनना है। तो हम वही खाने आए हैं। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ खा लूंगा। मैंने आज अपने घर पे कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं हरीशी आगे घर से पराठे खाया है, यहाँ से छोले भटूरे खाऊंगा और मैं अपने घर पे कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने शपथ ले ली आज की। हमारी हमारी ताई जी बना रही है भटूरे, ताऊ जी चले गए, ताई बनाइए सब्जी। हैप्पी हैप्पी सब्जी ताई। हम तीनों आ चुके हैं भटूरे खाने, एक भटूरा, तीन नहीं चार लोग। तो दोस्तों हमें शाम को पार्टी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम, मेरी तो सुबह से पार्टी हो रही है। नहीं भैया हमें तो आपके आपकी पार्टी चाहिए। मुझसे क्या पार्टी चाहिए? क्योंकि हमें तो भैया है नहीं, तो हमें उनसे भी भीख मांग सकते थे ऐसी, पर आपसे भी मांग पार्टी ले लो। इतने छोटे मारूंगा। अरे ये भटूरे बने हैं तो मस्त लग रहा है। सुबह के लिए होगा, शाम के लिए? शाम के लिए क्या पार्टी? चलो ठीक है शाम के लिए। मैं अगर मैं बताऊंगा मैं क्या करने, मैं अपने कमरे को आज सेट करने वाला हूँ बहुत अच्छी तरह से, पर्दे वर्दे लगा के, लाइट लगा के, आरजीबी लाइट। अगर मैं शाम तक फ्री हो गया तो हम चलेंगे कहीं बाहर, नहीं तो फिर हम नहीं जाएंगे बाहर। ठीक है ठीक है ठीक है। हमें तो भैया को आने दो, शिकायत करूंगी तुम्हारी। ठीक है कर देना। चलो एक और भटूरा आ गया। एक और भटूरा आ गया पर एक भटूरा खत्म भी हो गया, मैंने भी एक भटूरा भी नहीं खाया। हमारी ताई भटूरे ला रही है हमारे लिए बढ़िया बढ़िया गर्म गर्म। थैंक यू ताई। अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और आज मैंने खाना बहुत ज्यादा खा लिया है। मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मुझे नींद आ रही है, अगर मैं जरा सा भी लेटा तो मुझे नींद आ जाएगी। पर मुझे आज सोना नहीं है क्योंकि नए साल के अवसर पर मैं अपने कमरे को भी नया बनाना चाहता हूँ। मैं अपने कमरे के लिए पर्दे तो ले आया, बस इन्हें लटकाने के लिए पोल नहीं लेके आया। तो मुझे कुछ पोल लेके आने, एक यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ वाला, और पर्दे लटकाने हैं। और पर्दे लटकाने के बाद मुझे कुछ लाइट लेके आनी है जो कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ऐसे ब्लू और पिंक सी जो होती है वो वाली लाइट। तो चलिए दोस्तों पहले चलते हैं बाजार, पोल लेके आते हैं और वो आरजीबी लाइट्स लेके आते हैं, अपने कमरे में लगाते हैं और अपने कमरे को नया बनाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। और मार्केट में अकेला तो जाऊंगा नहीं, मेरे साथ जाते हैं मेरे पापा जी और सबसे पहले हम आ जाते हैं लाइट वगैरह लेने। अभी भैया हमें एलईडी लाइट तो दिखाते हैं पर मुझे ये नहीं पता था कि कितनी मीटर लेनी है। अभी ये एलईडी लाइट तो मैं एक दो दिन में लेके जाऊंगा, पर आज पर्दों का पाइप ले लेते हैं। यहाँ से हम एक अच्छा पाइप ले लेते हैं और उसे लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। तो अभी हम सारा सामान लेके घर पे आ चुके हैं और अब, पर घर आने के बाद मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पता है क्यों? मैं और पापा जी मार्केट से पर्दे लगाने का सारा सामान ले आए थे और हम लगाने भी वाले थे पर्दे, पर जैसा कि आप सभी को पता ही है न्यू ईयर चल रहा है तो डीजे वीजे बहुत रखे हुए हमारे गांव में बज रहे थे, तो मेरे कमरे तक ऐसी आवाज़ आ रही थी बहुत तेज। मैं ब्लॉग बना रहा था तो ऐसे
मेरी आवाज सही नहीं आ रही थी व्लॉग में, तो मैंने अभी नहीं लगाई, पर थे कल सुबह लगाऊंगा। और आज मेरी मम्मी जी ने बनाया न्यू ईयर के दिन पे, क्या बनाया मम्मी जी? अरे क्या बनाया मम्मी जी ने? पुलाव बनाए मम्मी जी ने, बनाया पुलाव। तो आज न्यू ईयर के दिन हम खाएंगे पुलाव, और मेरे साथ कल पर्दे लगवाएंगे पापा जी, है कि नहीं? पर्दे पक्के लगेंगे, कल तो पक्के लगने चाहिए, बहुत दिन हो गए। तो दोस्तों खाना बन चुका है, तो पहले खाना खाते हैं और बताते हैं मम्मी जी ने चावल कैसे बनाए हैं, ठीक है? मैं रेट दूंगा तुम्हारे चावलों को, कितने अच्छे बनाए तुमने चावल। और अब कहाँ पे किचन रखने का प्लान है तुम्हारा, यहाँ से चेंज करके? जल्दी नहीं, बताओ कहाँ पे रखने का प्लान है तुम्हारा? तुम्हारी किचन जैसे बदलती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, पानी की व्यवस्था हो जाएगी उसी दिन किचन चेंज। तो दोस्तों मेरी मम्मी जी की किचन ऐसे बदलती है जैसे मौसम, कभी गर्मियों में गर्मी, जैसे गर्मी सर्दी और बारिश आती रहती है, ऐसी मेरी मम्मी जी की किचन की जगह चेंज होती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। कैसे बने पलक? मस्त बने, ठीक है। दस में से मिलेंगे ग्यारह, बढ़िया बने बहुत। तो मम्मी जी, जैसा कि आज नई साल है, तो इस नई साल पे मैं आपको एक पुरानी बात बताना चाहता हूँ। वादा करो कि थप्पड़ नहीं पर मारूंगी। अब कोई बात होगी? ऐसी बात होगी, अगर कोई हुई ऐसी कि थप्पड़ देने पड़े तो दे दूंगी। नहीं भाई, तो नहीं उतारा मैं, वादा करो थप्पड़ नहीं दूंगी, तो बताऊंगा ऐसे नहीं उतारा। अच्छी बात लगी तो नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, देखो वादा हो गया अब, ठीक है, थप्पड़ नहीं मारेंगी। तो ये एक पुरानी बात ये है कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पास है हूँ, मैं सेकेंड सेमेस्टर में पास है हूँ, बस एक में वो है, उन्होंने कहा कि तुम्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं हो? नहीं, पास हूँ मैं, ठीक है, बस वो सब्जेक्ट में जो करेगा, तुम्हारे इसमें थोड़े नंबर कम आए, तो अगर तुम्हें ज्यादा नंबर चाहिए तो तुम दोबारा एग्जाम दे सकते हो। हाँ, तो उसे री लगना कहते हैं, री एग्जाम। पास हूँ मैं, वैसे मेरी आई है बहुत अच्छी परसेंट, तो पास हूँ। तो कब होगा फिर पेपर वाला? फोर्थ सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में। यार अभी तुम समझी नहीं, मैं मतलब एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, तो उसका री एग्जाम होगा। मैं समझ रही हूँ, मैं इतनी पागल ना हूँ, ठीक है? अच्छा, हाँ तो कैसी लगी आपको नई साल पे ये पुरानी बात? बेकार। अच्छा, मजा नहीं आया, दिमाग खराब कर दिया तुमने। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, जो दिक्कत जो ना, इतने दिन से हम गले लाले पढ़ ले। अरे तो फोर्थ सेमेस्टर में मौका मिलेगा पास होने का, तो हम उसमें पास हो जाएंगे, ठीक है? कॉन्फिडेंस पूरा है, पूरा यहाँ तक, ऊपर तक, यहाँ तक पास होने का। मैं समझ गई पहले ही तेरी बात, जब तुम नहीं कह रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं काम है, मैं पहले ही समझ गई कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला है। अच्छा, तो मेरी मम्मी बहुत समझदार है, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, जब तक के लिए। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करना है।